मई महीने की शुरुआत से ही सूरज की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है और अब तपती धूप ने लोगों की मुश्किलों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। धूप इतनी तेज है कि लोग दोपहर के समय घरों से बाहर निकलने से भी कतराने लगे हैं। ऐसे में लोगों को अपने जरूरी काम से जाने में भी काफी परेशानियां हो रही हैं। इतना ही नहीं, गर्मी के कारण कई तरह की बीमारियों का खतरा भी लोगों को स्थान लगा है। अंबाला में लोगों का कहना है कि तेज गर्मी से जहां उनका घर से निकलना मुहाल हो गया है, तो वहीं तेज धूप से स्किन एलर्जी भी हो रही है। घर या गाड़ी से बाहर निकलते ही उन्हें लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ता है। गर्मी के कारण वे अपने साथ पानी की बोतल लेकर निकलते हैं या नारियल पानी या शिकंजी आदि का गर्मी से बचाव के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इन दिनों बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और इस कारण से हमारी बॉडी में भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। हम लोग सुबह जॉब के लिए निकलते हैं तो धूप पहले तो फेस नहीं होती है, चेहरे पे हमारे लोगों के बहुत दिक्कत आती है। लू के सीधे थपेड़े मुंह पे पड़ते हैं गर्म हवा के जैसे होता है, जिसके कारण ड्राइव करने में बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, नहीं होते हैं व्हीकल ड्राइव वगैरह। और साथ ही प्यास इतनी लगती है तो टाइमली हम लोगों के पास अगर बॉटल्स वगैरह ना हो तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। डिहाइड्रेशन के कारण जैसे कई लोगों को चक्कर वगैरह आ जाते हैं, नकसीर चल जाती है। तो यही है कि जितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है उसके हिसाब से हमें अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में गर्मी डे बाई डे बढ़ेगी। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, ऐसी चीज़ें ज़्यादा सेवन करना चाहिए जैसे खीरे वगैरह हो गए खा लिए। तो अपने आप को खुद को हमने खुद ही देखना है कि बार बार हम लोग ना किसी पर डिपेंड रहें, आधी से ज़्यादा चीज़ें हम अपने साथ लेके चल सकते हैं। वहीं धूप से बचाव के लिए जब एक्सपर्ट एडवाइस ली गई तो डॉक्टर ने बताया कि गर्मी से बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ लें, ऐसे फल खाएं जिनमें ज्यादा पानी हो। अगर धूप से चेहरे पर कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से संपर्क करें। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं तो उससे बचने के लिए पहले तो हमें अवॉइड करना चाहिए, धूप में कम से कम निकलना चाहिए और बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पानी ज्यादा पिए, ठीक है, डिहाइड्रेट रखें बॉडी के लिए, पानी वाली चीज़ें जिसमें ज़्यादा होता है खीरा खाएं, तरबूज खाएं, ठीक है, जो सीजनल फ्रूट हैं वो खाएं, इससे बॉडी में पानी की पूर्ति होगी जिससे कई बीमारियों से बचा जा सकता है। गर्मियों के मौसम में एलर्जी रहने के काफ़ी चांस रहते हैं, बाहर जो धूल वगैरह होती है, डस्ट होती है, उससे इन्फेक्शन फैलते हैं, तो उससे बचने के लिए अपने शरीर को कवर रखें और हो सके कि धूप को अवॉइड करें धूप में निकलना। बता दें कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान 40 डिग्री से पार हो गया है। ऐसे में दोपहर में लू के थपेड़े महसूस किए जा सकते हैं। बहरहाल मई का महीना है, ऐसे में आने वाले दिनों में तापमान में अभी और बढ़ोतरी होगी। ऐसे में तेज धूप में जाने से बचें और अपने साथ पानी जरूर रखें। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।